हर किसी लड़की को बहन की नजर से मत देखो। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मचर्य में एक नियम है, जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करें तो हमें कोई भी पराई स्त्री को, लड़की को जो है, हमें सम्मान देना चाहिए, माँ बहन की नजर से उन्हें देखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बहुत से ऐसे युवा भाई हैं जिनके मन में दूसरी लड़की को देखते ही गंदे विचार आने लगते हैं, और ये कहीं ना कहीं सत्य है। वो इस चीज का पालन नहीं कर पा रहे, वो हर किसी लड़की को बहन की नजर से नहीं देख पाते हैं, ये उनके साथ हो रहा है। तो उन्होंने हमसे पूछा कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो मेरे भाई ध्यान से इस वीडियो को देखना, हमें बस भागना नहीं है, समझिएगा ध्यान से। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है, हमें स्त्री को वस्तु की तरह नहीं देखना है, समझ रहे हो। हम अपनी बहन को बहन की तरह देख रहे हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम दूसरे की जो लड़की, जिसको भी हम देख रहे हैं सामने, हमारा मन गवाही नहीं देता कि नहीं यार हम इसको बहन नहीं बोल सकते, ठीक है। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, ठीक है ना। क्या करना है आपको दोस्तों, जब भी आप किसी लड़की को देखते हो, आप ये जानते कि वो आपकी बहन नहीं है और आप उसे अपनी बहन नहीं मान सकते, लेकिन वो एक स्त्री है। कौन है? एक स्त्री, एक औरत है। हमें इस चीज का, उसका जो है, हमें सम्मान करना होगा। भाई देखिए, हम जो है, ये मैं बैठा हूं, आप बैठे हो इस समय, हम कहां से आए? आसमान से फुदक के आए क्या? हम एक स्त्री से पैदा हुए। इस दुनिया में आप जितनी भी पॉपुलेशन देख रहे हो, चाहे वो औरत हो, आदमी हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, वो सिर्फ एक स्त्री से आए हैं सबके सब। तो हमें स्त्री का सम्मान करना होगा। जब भी आप किसी लड़की को देखें ना, तो यही सोचें कि भला ये मेरी बहन नहीं है, मैं इसको अपनी बहन नहीं मानता, लेकिन ये भी किसी की और की तो बहन है ना, किसी के घर की इज्जत तो है ना, कल को किसी के घर की वो बहू बनेगी, वो भी किसी नए जीवन को जन्म देगी। ये एक सम्मान की नजरें, सम्मान की भावना अपने अंदर रखनी होगी दोस्तों, तभी जाके ब्रह्मचर्य में आप मजबूती ला पाएंगे। क्या है कि इतने सालों से जो आपने गंदगी देखी ना, तो दिमाग में बैठ गया है कि लड़की सिर्फ एक वस्तु है। बात को समझना मेरी, लड़की सिर्फ एक वस्तु है, हमारे दिमाग में ये बैठ गया है। लेकिन नहीं दोस्त, लड़की वस्तु नहीं है, लड़की स्त्री हमारी जननी है। देखो, हमें सब लोग एक जैसे नहीं होते। हम कई भाई हमारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि अरे हाँ, हम नहीं दे पाएंगे सम्मान बम्मान ऐसी लड़कियों को। देखिए, कोई लड़की चाहे कैसी भी हो, हमें किसी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाना, हमें बस हमारे ब्रह्मचर्य पर ध्यान देना है, ब्रह्मचर्य पर फोकस करना है दोस्तों, ठीक है ना। हमें बस ये याद रखना है, सामने वाली लड़की चाहे जो कोई भी हो, वो क्या करती है, क्या नहीं करती है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका आचरण कैसा है, हमें कोई मतलब नहीं है दोस्तों। बस हमें एक सम्मान की भावना रखनी है कि मैं बस इस लड़की की इज्जत करता हूं, ये एक स्त्री है, कल को ये भी किसी के जो है एक नए जीवन को जन्म देगी, एक जननी बनेगी, हमें बस वही उसका सम्मान करना है मेरे भाई, ठीक है ना। उसके जब भी किसी लड़की पर नजर पड़े, उसके पैरों की ओर देखो सम्मान की भावना से, ठीक है। ऐसे ही करके आपके अंदर एक सकारात्मक विचार धीरे धीरे आना शुरू होंगे। शुरुआत करनी पड़ेगी दोस्त, वरना तो फिर कोई दवा, औषधि, कोई भी कितना ही मोटिवेशन सुन लो मेरे भाई, ब्रह्मचर्य नहीं हो पाएगा। स्वीकारो इसे, जो मैंने बोला है, नहीं समझ में आया हो ना, फिर से वीडियो खोल के देखो मेरे भाई, इसको ध्यान से सुनो, आंख बंद करके मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। सम्मान की भावना लाइए अपने अंदर, सम्मान की, सामान की नहीं, सम्मान की भावना लाइए, ठीक है ना। थोड़ा अपने दिमाग में कि नहीं यार, मैं सबकी इज्जत करता हूं, मैं सबको रिस्पेक्ट करूंगा, जो भी लड़की है, मैं भले ही उसको अपनी बहन नहीं मानता, लेकिन वो एक स्त्री है, मैं उसका सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं भी एक स्त्री से ही पैदा हुआ हूं, ठीक है मेरे भाई। कोई सवाल हो तो पूछिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो।